जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम लोग फिर से एक बार विकास इकोटेक लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। वजह यह है कि इस कंपनी के चार्ट पर तेजी के संकेत मिल रहे हैं और चार्ट पर तेजी के संकेत मिलने लगे हैं, उसका असर इस कंपनी के शेयर प्राइस पर भी देखिए दिखने लगा है। तकरीबन 1.5% की तेजी आज भी इस स्टॉक में देखने को मिली है। तो फाइनली मैं बताऊंगा कि जिनका इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट है उन्हें क्या करने की जरूरत है, और जो नया व्यक्ति भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए क्या रणनीति रहेगी। प्रॉफिट बुकिंग वाले भी इसमें ध्यान देंगे। चलिए शुरुआत हमेशा की तरह हम लोग शुरू से करते हैं। तो देखिए, यदि अब हम लोग कंपनी के काम की बात करें, तुम सभी जानते हैं कि जो विकास इकोटेक कंपनी है, ये कंपनी प्राइमरी रूप से स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। केमिकल के सेक्टर में कंपनी काम करती है, और केमिकल में भी देखिए हमें ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं। ओवरऑल ये समझिए कि केमिकल एक इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री है जो आज के समय में कोई भी ऐसा चीज वस्तु जो आप यूज करते हैं, चाहे नहाने हो, नहाने का चीज हो, खाने का चीज हो, उसमें केमिकल का यूज ना किया जाता हो। साबुन सर्फ से लेकर चेहरे तक लगाने वाली चीजों में आजकल केमिकल का यूज होता है। तो इससे आप केमिकल के सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो तकरीबन मार्केट के 513 करोड़ के आसपास, यानी कि उतनी भी छोटी कंपनी नहीं है। देखिए है तो पेनी स्टॉक है, लेकिन फिर भी पेनी स्टॉक में थोड़ी ऊपरी लेवल की कंपनी है। स्टॉक का पी 65 के आसपास है। पेनी स्टॉक का पी थोड़ा महंगा होता है, लेकिन हम हमेशा चार्ट पर देख के जहाँ पे शेयर प्राइस का लेवल आ रहा है वहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस को उठाते हैं। तो पी हमारे लिए कुछ खास मायने नहीं रखता। शेयर प्राइस देखेंगे 3.76 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि इसके बुक वैल्यू जो कि 2.64 रुपये उससे ज़्यादा है। ये बहुत बढ़िया बात है। सबसे कमाल की बात यह है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो ROCE है, यह भी दोनों देखेंगे तो आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। तकरीबन 6.5% के आसपास ROCE है और 4% के आसपास ROE है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में तकरीबन 4% के रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखती है। ये काफी बढ़िया बात है। फंडामेंटल भी आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। क्वार्टरली रिजल्ट पर देखेंगे तो समझ में आएगा कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो मजबूत हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक्सेल के चार्ट पर आ गए हैं और यहाँ पे समझते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंस चीज अभी देखने को मिला है। सबसे पहले ये जो आप लाइन देख रहे हैं 3.50 रुपये का लेवल, काफी इंपॉर्टेंट लेवल, ये इसके लिए रेजिस्टेंस भी है और यही इसके लिए सपोर्ट भी है। और अभी देखिए अभी क्या हुआ है कि कंपनी का शेयर प्राइस, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये 3.50 रुपये से लेकर 4 रुपये के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेशन में जब भी कोई स्टॉक होता है तो उसके बाद जब बाहर निकलता है तो ब्रेकआउट होता है। और देखिए ये ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे यदि आप स्पष्ट रूप से देखेंगे तो शेयर का प्राइस अब ऊपर की तरफ उठने लगा है। ये ऊपर उठने लगा है, इसका मतलब ये आएगा अपने इस जो 4 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस है यहाँ पर आएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस करेगा। थोड़ा बहुत यदि समय बिता के ये जो प्राइस ऊपर आ रहा है यहाँ पर, थोड़ा बहुत यदि समय बिता के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ये काफ़ी मतलब पॉजिटिव साइन होगा, काफ़ी ऊपर जाने की इसमें चांसेस रहेंगे। देखिए ऐसे अगर डायरेक्ट ये ऊपर निकल जाता है तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग होने से कोई प्राइस नीचे आ जाए। इसलिए जरूरी है कि ये जो प्राइस अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे 4 रुपये के लेवल के पास आने के पास थोड़ा सा समय बिताए, और समय बिता के जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो इजिली ये जो 4.5 रुपये का लेवल है इसको तो इजिली ब्रेक कर देगा, और फिर इसके ऊपर निकलेगा तो तकरीबन कम से कम 5 रुपये, फिर 7 रुपये, 10 रुपये तक जाने के लिए शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक रेडी है। यानी कि यदि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आप कम से कम 5 रुपये तक लेवल के लिए तो इजिली चल जाएगा, उसके लिए पूछना नहीं है। होता यह है कि जितना लंबा ये कंसोलिडेट करता है उतना लंबा इसमें तेजी आने के चांस रहते हैं। तो यहाँ से यदि हम देखें तो तकरीबन आप मान के चल सकते हैं ये अभी 4 रुपये के आसपास है, तो 4, 5, 9 रुपये, 9, 10 रुपये तक के लिए इजिली आप जा सकते हैं शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में। तो यदि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से इसमें पैसे लगाए हैं तो आप 9, 10 रुपये तक के लिए इजिली जा सकते हैं। बाकी कोई नया व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा 4 रुपये के आसपास आने के बाद जैसे समय बिताने लगे, और समय बिता के जब ऊपर निकलने लगे तो आप एंट्री ले सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने दीजिए, रिट्रेसमेंट होने के बाद जो प्राइस ऊपर निकलेगा तो फिर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। जो एवरेजिंग करना चाहते हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो चार्ट पर क्या बातें निकल कर सामने आई मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है। इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हुआ तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखिए जो कंपनी का सेल्स है, सेल्स देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर में, हालांकि इसके हिसाब से देखेंगे तो कम हुआ है, लेकिन फिर भी जो सितंबर क्वार्टर रिजल्ट रहा है उसके अपने पिछले क्वार्टर से बेहतर रहा है। और आने वाले समय में जो अभी दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट में आप देखेंगे कि इस बार जो जितने भी तमाम पहले के रिजल्ट रहे उससे ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट कंपनी के देखने वाले मिलेंगे। Q3 के रिजल्ट में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वह भी आपको कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई देंगे, 5.49 करोड़ के आसपास हुआ। और सबसे बड़ी बात कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी काफ़ी तगड़ा हुआ है। सितंबर क्वार्टर रिजल्ट में 1.77 करोड़ के आसपास हुआ, जो कि पहले 1.55 करोड़ के आसपास था। हालांकि इसको नहीं देखना जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि पिछले क्वार्टर के रिजल्ट से तुलना कर दे तो पिछले क्वार्टर रिजल्ट से
कंपनी का जो सितंबर क्वार्टर रिजल्ट रहा वो बेहतर रहा। तो ओवरऑल फंडामेंटल तो मैंने शुरू में बताया कंपनी का बढ़िया है, और चूंकि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसमें लीडिंग सेक्टर, यदि लीडिंग बन जाती है, लीडिंग कंपनी बन जाती है, एक कंपनी सबसे मतलब उसमें मजबूत बन जाती है, तो जाहिर सी बात है उसके शेयर प्राइस में तेजी आएगा ही आएगा। किसी भी सेक्टर में आप काम करते हैं उसमें यदि आप लीडर हैं तो आपकी पुश होगी ही होगी। तो वही बात है, विकास इकोटेक अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनी बनने जा रहा है, जिस वजह से इसकी डिमांड आने वाले समय में रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ विकास इकोटेक के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी आप समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।